अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुबा वकास खान और आज हम सीखने जा रहे हैं रेड फॉरेस्ट वेलवेट केक। तो चलिए चलते हैं। हाँ तो जी, सबसे पहले हम बटर मिल्क बनाएंगे। तो बटर मिल्क बनाने के लिए हमें चाहिए होगा, सबसे पहले आधा कप दूध। हम आधा कप दूध लेंगे, आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं। इसमें आधा कप दूध डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सिरका, मतलब विनेगर। सिरका डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। तो जी, सिरका भी इसमें डल चुका है। अब हम इसको किसी स्पून की मदद से मिक्स करेंगे और बटर मिल्क को हम रख देंगे साइड पे ताकि अच्छी तरह से बन जाए। तो अब हम इसमें मैदा डालेंगे 1 1/4 कप और बेकिंग सोडा डालेंगे 1/2 टीस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून और कोको पाउडर 1 टीस्पून। और इन सब चीज़ों को हम छान के रख लेंगे। अच्छी तरह से हम इसको छान लेंगे ताकि इसमें एक भी गुठली ना रहे, एक भी दाना ना रहे, वरना आपके केक जो है वो दानेदार हो जाएगा और अच्छी तरह से राइज नहीं होगा और बैठ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 अंडे लेंगे और 2 अंडे लेंगे और उसमें हम 3/4 कप चीनी डालेंगे। 1 कप में से 1/4 कप कम चीनी डालेंगे। उसको हम 7 से 8 मिनट बीट करेंगे। जब तक ये चीनी अच्छी तरीके से घुल नहीं जाती, जब तक हम इसको बीट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। और करते जाएंगे। बेकिंग का मज़ा इसी चीज़ में है कि हम इसको बीटर से हमें बीट करना होता है, तो इसमें ज़्यादा मज़ा आता है बीटर से बीट करने में। ठीक है जी, ये बीट होता जा रहा है अच्छी तरीके से और ये फूलता भी जा रहा है। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। मेरे पास ये वनीला एसेंस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसके 2-3 कतरे ही डालूंगी सिर्फ। आप चाहें तो इसको 1 टीस्पून डाल सकते हैं अगर आपका स्ट्रॉन्ग वनीला एसेंस नहीं है तो। ठीक है जी, इसके साथ ही हम क्या करेंगे, आधा कप पिघला हुआ मक्खन लेंगे। आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं और अगर आप अनसॉल्टेड लेंगे तो आपको नमक डालना पड़ेगा 1/4 टीस्पून, और अगर आप सॉल्टेड लेंगे तो आपको नमक नहीं डालना पड़ेगा इसमें। तो हम मक्खन को भी अच्छी तरीके से अंडों की सफ़ेद जर्दी और सफ़ेदी में मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि सब चीज़ें एक एक उसमें जो है यकजान हो जाएं। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वो जो हमने बटर मिल्क का मिक्सचर बनाया था उसमें हम रेड फूड कलर डालेंगे। अगर आपके पास जेल कलर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे पाउडर फूड कलर है तो मैं वही डालूंगी और देखिए इससे कितना अच्छा रेड कलर आएगा। इसको स्टिर करेंगे। लाल रंग अपने हिसाब से डालिए, अगर आपके पास जेल कलर है तो आप 1 टीस्पून डालिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको भी अंडे वाले मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से बीट करें, अच्छी तरीके से बीट करें कि ये मिक्सचर में यकजान हो जाए। इसके बाद जब ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से बीट हो जाएंगी तो हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग करके रखा हुआ है वो हम इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और फोल्ड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे फोल्ड करते जाएंगे। बीट करते जाएं, बीट करते जाएं अच्छी तरीके से, जब तक एक दूसरे अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए, जब तक। बाकी का बचा हुआ इंग्रेडिएंट भी इसमें हम डाल देंगे
जो मैदे वाला मिक्सचर है बाकी का बचा हुआ भी, वो भी हम इसमें डाल के और उसको भी हम इसमें फोल्ड कर देंगे। तो जी अब ये मिक्सचर रेडी है बिल्कुल अच्छी तरीके से, देखिए बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है कोई भी। तो अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, हमने पहले से बटर पेपर लगा लिया है इसमें और ऑयलिंग कर ली है इसके ऊपर, ठीक है। अब हम इस मिक्सचर को इसमें कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करते ही हम इसको टैप टैप करेंगे, मतलब दो दफ़ा हम इसको टैप टैप करेंगे ताकि इसमें से सारे एयर बबल्स जो हैं वो निकल जाएँ। अब हम इसको एक प्री हीटेड पतीली में किसी उसमें हम इसको रख देंगे अपने बैटर को, ठीक है जी। और हम इसको 40 से 45 मिनट तक बेक करेंगे। अगर आप अवन में कर रहे हैं तो टाइमिंग्स यही होंगी, 40 से 45 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा फूल चुका है मेरा केक और ये रेड वेलवेट का स्पंज तैयार हो चुका है मेरा, देखिए जी टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है। और अब हम इसको फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो फ्रॉस्टिंग के लिए हमने जो चॉकलेट का सॉस बनाना है उसके लिए हमने चॉकलेट को पिघला लिया है डबल बॉयलर पे। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। लेकिन एक एक मिनट बाद आपको उसको चलाना पड़ेगा। तो आप जो है मैं जो प्रेफर करूँगी आपको वो करूँगी कि आप पतीली के ऊपर ही डबल बॉयलर बनाकर उसी में ही आप चॉकलेट पिघलाएं। तो चॉकलेट हमारी पिघल चुकी है, अब हम क्रीम विप करेंगे। तो हमने 1 कप विपिंग क्रीम ले ली है, या आप हैवी क्रीम भी ले सकते हैं अगर आप मुझे तो खैर जल्दी थी तो मैंने विपिंग क्रीम लिया है। विपिंग क्रीम लेंगे हम 1 कप, लेकिन चिल्ड होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए, ना उसमें कोई गुठले होने चाहिए और गरम भी नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी क्रीम अच्छी तरीके से बीट नहीं होगी। तो सबसे पहले लो स्पीड पे बीट करना शुरू करेंगे, लो स्पीड पे बीट करेंगे। देखिए जी क्रीम का टेक्सचर, जब आप क्रीम बीट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्रीम का टेक्सचर जो है वो गाढ़ा होता जाएगा। लेकिन कभी कभी आप बीच में आपको लगेगा कि ये ख़राब हो गई, फटफट सी गई, लेकिन ये ऐसे ही बीट होगी। है देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। अब हम इसको फास्ट स्पीड पे करेंगे, मतलब हाई स्पीड पे हम बीटर को चलाएंगे इसमें। और जब आपकी पीक्स बनने लग जाए तो आप समझिए कि आपकी व्हिपिंग क्रीम जो है वो तैयार हो गई। लेकिन इसको ओवर बीट भी नहीं करना, आपके तकरीबन 5 मिनट लगेंगे ये क्रीम जो है आपकी बीट हो जाएगी। देखिए जी कितने प्यारे लम्स बनने लगे हैं। आप केक को काटेंगे बीच में से, केक को अच्छी तरीके से हम कट करेंगे। और ये मैंने दूध का और कुमेल का मिक्सर बनाया था वो मैंने इसमें डाला है। और अब हम इसमें व्हिपिंग क्रीम जो हमने व्हिप की थी वो हम लगाएंगे, उसकी लेयर लगाएंगे। और उसके बाद देखिए जो अच्छी तरीके से लेयर लगाएं ताकि आपको मज़ा भी आए केक खाने में, ये नहीं कि पतली पतली लेयर लगा दी, अच्छी तरीके से लेयर लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें चॉकलेट सॉस डालेंगे जो हमने बनाया था, चॉकलेट सॉस लगाएंगे, उसको भी अच्छी तरीके से हम फैला देंगे। उसके बाद फिर हम दूसरा पीस रखेंगे केक का। ये थोड़ा सा मेरा फट चुका था तो मैंने इसको बीच में रखा है, आप भी इसको बीच में रखिएगा, ये नहीं कि आप ऊपर रख दें वरना आप इसको नीचे रखिएगा सबसे, ठीक है। अब इसके बाद भी हमने सॉस डाला, उसके बाद हमने व्हिपिंग क्रीम डाली, उसके बाद हम चॉकलेट सॉस डालेंगे इसके ऊपर दोबारा से। देखिए जी चॉकलेट सॉस डालेंगे हम लोग दोबारा से इसके ऊपर, अच्छी तरीके से फैलाएंगे। और उसके बाद हम इस पर दूसरा पीस रखेंगे और हम इस पर अच्छी तरीके से वो वाला सॉस डालेंगे जो हमने मिल्क और कुमेल का बनाया है। और उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से व्हिपिंग क्रीम डालेंगे, अच्छी लेयर लगानी है सबसे ऊपर वाली, उस पर टॉप लेयर जो आपने लगानी है सबसे मोटी लगानी है व्हिपिंग क्रीम की, ताकि केक आपका अच्छा लगे। देखिए अच्छी तरीके से मेरे पास रोटेटिंग वो नहीं था, टेबल टर्न टेबल जो होती है वो मेरे पास थी नहीं, तो मैंने उसको ऐसे ही बनाया। अगर आपके पास होगी तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा, बहुत शानदार बनेगा। बस अब चॉकलेट सॉस लगाने के बाद अच्छी तरीके से चॉकलेट सॉस की कोटिंग करें। अब हम क्या करेंगे, इस केक को क्रम करेंगे, जो हमारे पास बचा हुआ केक था उसको क्रम्बल कर लिया हमने अच्छी तरीके से।
तो ये जो बचा हुआ केक था वो हम केक के साइडों पे लगा देंगे। बस हमारा खूबसूरत सा केक तैयार है। मैंने इसमें ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी डाल दिए थे, आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं। हमारा ये रेड फॉरेस्ट वेलवेट केक तैयार है। आप भी ट्राई करें और इन्जॉय करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। मेरी तरफ से इतना ही, बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।